कराची पुलिस की एक और कामयाबी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट अरशद गिरफ्तार। रॉ एजेंट को कॉल ट्रेसिंग की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से जदीद आलात, दस्तावेजात, मोबाइल फोन और सिमें भी बरामद की गयी। जराए ने बताया कि भारतीय एजेंट अरशद हुसैन ने भारी रकम के एवज कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हासिल किया। पाकिस्तानी दस्तावेजात में वालिद का नाम तब्दील किया। तफ्तीशकारों ने कौमी दस्तावेजात हासिल करने की तहकीकात की तो मालूम हुआ कि कौमी शनाख्ती कार्ड मैट्रिक की जाली डिग्री पर बनाया गया। डिग्री पर जिस स्कूल का नाम दर्ज किया गया वो स्कूल उस सन में कायम ही नहीं हुआ था। भारतीय एजेंट ने कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही मोबाइल फोन सिमें हासिल की, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कई मरतबा बैरून मुल्क सफर किया। अरशद हुसैन 2011 में भारतीय पासपोर्ट पर कराची आया। रिकॉर्ड की मौजूदगी के बावजूद एयरपोर्ट हुक्काम ने इसे पकड़ने में नाकाम रहे। हुक्काम का कहना है कि भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी अहम कामयाबी है और इससे रॉ नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। भारतीय एजेंट को कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा कर देने वाले सहूलत कारों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची।